हेलो बच्चों, नमस्कार। हमने पिछले वीडियो के अंदर टेंस पर संपूर्ण जानकारी प्राप्त की थी। एग्जाम के अंतर्गत टेंस से आधारित कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं जो हमें करेक्ट फॉर्म के अनुसार आंसर देना होता है। टेंस की जानकारी के बाद हम ये देखेंगे कि वाक्य के अंदर ऐसी क्या स्थिति होती है या ऐसे क्या शब्द आते हैं उसके अनुसार हम उस वाक्य के अंदर करेक्ट फॉर्म भर सके हैं टेंस के अनुसार। इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण नियम्स है, कुछ फैक्ट तथ्य हैं जो मैं आपको बताता हूं ताकि आपको करेक्ट फॉर्म भरने में कोई दिक्कत न हो और बहुत ही आसानी से एग्ज़ाम के अंदर आप इस प्रश्न को हल कर सकें। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एग्ज़ाम के अंदर प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाता है। तो प्रश्न इस प्रकार से आएगा एग्ज़ाम के अंदर, फिल इन द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन ब्रैकेट्स। जो कोष्टक के अंदर वर्ब आई है उसका करेक्ट फॉर्म हमें यह भरना होता है। आज हम इस वीडियो के अंदर इसके बारे में समझेंगे। कई बार आपको टेंस का पूरा ज्ञान नहीं होता है या टेंस की संपूर्ण जानकारी नहीं होती है, फिर भी परीक्षा के अंदर आप वर्ब की करेक्ट फॉर्म को भर सकते हैं। आप इस वीडियो को पूरा देखना। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आज आप प्रेजेंट टेंस से संबंधित कोई भी सवाल अगर आपके एग्जाम में आता है तो आप 100% उसको राइट करके आएंगे। अब मैं आपको कुछ नियम बता देता हूँ, उसके अनुसार आपको ये चीज़ें करनी है। सबसे पहला जो काम है वो आपको सब्जेक्ट के बारे में जानकारी रखनी है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। ये जानकारी आपको होना अति आवश्यक है। सब्जेक्ट हमेशा आपको पता रहना चाहिए कि वो एकवचन है या बहुवचन। अगर वाक्य के अंदर संज्ञा या कर्ता ही, सी, इट, दिस, दैट या एक वचन कोई नाम है तो हमेशा वो सिंगुलर कहलाएगा। और आई, यू, वी, दे, दीज, दोज या कोई बहुवचन में नाम हो तो वो प्लूरल सब्जेक्ट कहलाएगा। आप जो वाक्य के अंदर जो सब्जेक्ट होता है यानी कर्ता होता है, वो कर्ता को एक वचन और बहुवचन किस प्रकार समझे, तो इसको बहुत ही अच्छी तरीके से आपके लिए क्लियर कर दिया गया है। आज हम प्रेजेंट टेंस के बारे में ऐसे कुछ आपको हिंट्स देंगे, कुछ नियम बताएंगे, कुछ आपको जानकारी देंगे। आप बहुत ही आसान और सरल तरीके से प्रेजेंट टेंस से संबंधित तो कोई भी करेक्ट फॉर्म भरना आपके पर्सन आता है तो बहुत ही इजी तरीके से आप इनको भर लेंगे। जैसे मैं आपको पहला नियम बताता हूँ। पहला नियम इतना सरल और इतना ईजी है कि आप ये जब समझेंगे, इसको जानेंगे तो आपको बहुत आसान लगेगा करेक्ट फॉर्म भरना। जैसे यदि आपको खाली जगह से पहले अगर शब्द मिलता है लेट, मेक, सी, हेयर, वुड रादर, हेड रादर आदि अगर शब्द मिलते हैं तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भरनी है। जो वर्ब आपको ब्रैकेट्स के अंदर मिल रही है सीधा वो आप खाली जगह के अंदर भर दो। बहुत आसान, बहुत ईजी। फर्स्ट फॉर्म ही कोष्ठक के अंदर दी हुई होती है, आपको सीधा वो भरना है। अब बताइए कितना आसान है। अब देखिए दूसरा नियम, ये भी बहुत आसान है। दूसरा नियम ये कहता है कि अगर आपको मॉडल मिलती है, मॉडल्स, और मॉडल्स के बाद में हमेशा आपको फर्स्ट फॉर्म भरनी है, ब्रैकेट्स के अंदर जो आपको वर्ब मिली है वही आपको खाली जगह के अंदर रिक्त स्थान के अंदर भरनी है। जैसे कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, सेल, शुड, मस्ट और नीड नॉट। अगर ये आपको मॉडल्स उस पर्सन के अंदर मिल जाती है, जो कोष्ठक के अंदर वर्ब आ रही है उस वर्ब को आप सीधा खाली जगह स्थान पे भर दीजिए, आपका उत्तर राइट हो जाएगा। बताइए आसान है या नहीं। आपके सामने दोनों रूल्स हैं और दोनों के एग्जाम्पल मैंने दे रखे हैं। लेट मी खाली जगह, स्पीक कोष्ठक के अंदर और फर्स्ट। लेट शब्द आने के कारण आपको इस रिक्त स्थान पर स्पीक एज इट इज लिखनी है, तो अब इससे आसान क्या होगा भैया। और इस वाक्य के अंदर वुड रादर शब्द आया है तो आपको जो कोष्ठक के अंदर वर्ब मिल रही है वही वर्ब आपको इस रिक्त स्थान में भरनी है। और जो दूसरा नियम कहता है मॉडल्स वाला, उसके अंदर भी देख लीजिए आप एग्जाम्पल। सी मस्ट, ये मस्ट आपके मॉडल्स आई है तो आपको जो कोष्ठक के अंदर वर्ब मिली है रिक्त स्थान में वही वापस भरनी है, उसके अंदर आपको किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करना है। जैसे दूसरे के अंदर शुड आया है तो फिर उसी प्रकार जो आपको जो पहले में किया या
वही दूसरे के अंदर रेस्पेक्ट शब्द को वापस रेस्पेक्ट ही लिखा है। इस प्रकार आप समझ गए कि ये दो नियम कितने आसान है। आपको ये शब्द याद रहने चाहिए। अगर याद है तो आप बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे कि जो आपको रिक्त स्थान मिल रहा है उसके अंदर क्या बनना है। अब हम चलते हैं आगे की ओर, जिसमें तीसरा नियम हम देखेंगे। तीसरा नियम ये कहता है, यदि किसी वाक्य के अंदर ऑलवेज, ऑफन, समटाइम्स, रेगुलरली, यूजली, जनरली, रेयरली, डेली, एवरीडे, वीक, मंथ, ईयर इत्यादि एडवर्ब्स हो, तो ऐसे वाक्य के अंदर जो खाली स्थान है, खाली जगह है, उसमें आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस भरना है। जो पहले दो नियम थे उसके अंदर तो आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि जो ब्रैकेट्स के अंदर आपको वर्ब मिल रही थी वही रिक्त स्थान के अंदर भरनी थी। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है सब्जेक्ट के बारे में। जैसे गॉड, गॉड यानी भगवान एक ही होता है, ईश्वर एक ही होता है, इसलिए जो करता है वो एक वचन रहेगा और उसके अनुसार डू डज के अनुसार यहाँ डज आएगा और आपको डज भरना है। और स्टूडेंट्स एस लगा है यानी बहुवचन है, तो आप वो या डू के अनुसार क्रिया भरनी है। अब ये क्यों? क्योंकि इसके अंदर ऊपर तो आपके ऑलवेज शब्द आया और नीचे वाले में डेली शब्द हैं, ये दोनों एडवर्ब मिल गए, तो हमें समझ आना चाहिए ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का है। अब हम चलते हैं चौथे नियम की ओर। चौथा नियम है वो ये कहता है कि यदि कोष्टक में बी वर्ब दे रखा है, केवल बी दे रखा है, तो क्या करना है? तो आपको इज, आर, एम या पास्ट टेंस है तो वाज वर्ब का प्रयोग करना है काल के अनुसार। जैसे आपके सामने दे रखा है रेन, खाली जगह बी कोष्ट के अंदर दे रखा है ए गिफ्ट ऑफ नेचर, यानी बरसात है जो प्रकृति का एक उपहार है। ये एक सार्वभौमिक सत्य है, इसलिए आप इसके अंदर प्रेजेंट टेंस यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस ही करेंगे, तो बी का इज लिखना है। इफ आई खाली जगह बी ए बर्ड्स, यदि मैं पक्षी होता, यदि मैं ऐसा होता, यदि मैं वैसा होता, ऐसे शब्द आते हैं तो आपको वर लिखना होता है, तो आई वर। ये भी आपके क्लियर हो चुका है। आगे चलते हैं, अगला जो नियम है वो नियम है सार्वभौमिक सत्य यानी यूनिवर्सल ट्रूथ। अगर आपका वाक्य यूनिवर्सल ट्रूथ है, वैज्ञानिक तथ्य के आधार पर आधारित है, या आध्यात्मिक सत्य वाक्य है, या मुहावरे, कहावते आदि उस वाक्य के अंदर आ रही है, तो वो वाक्य आपको हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में करना है। सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर उसको जो वर्ब है उसको आप उपयोग करना है। जैसे द सन और उसके बाद में राइज कोष्टक के अंदर है और उसके बाद में लिखा है इन द ईस्ट, ये सार्वभौमिक सत्य है कि सूर्य हमेशा पूर्व दिशा में उदय होता है, तो ये हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही वाक्य रहेगा। सन एक ही है इसलिए आपको डज मिलाना है इसके अंदर, तो राइज कर दिया। उसके बाद में फॉर्चून खाली जगह फेवर द ब्रेव, यानी जो भाग्य होता है वो हमेशा बहादुरों का साथ देता है। अगला जो छठा नियम है वो है निश्चित या फिक्स्ड, स्थायी या परमानेंट, अथवा सारणीबद्ध जो कार्यक्रम है आपकी यानी टेबल प्रोग्राम्स जिसको बोलते हैं, अगर वो है तो आप हमेशा उसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करेंगे। जैसे आपकी जो स्कूल है उसका एक टाइम टेबल होता है, यानी सुबह 10 बजे से 4 बजे तक चलती है, तो उसका टाइम फिक्स है, तो आप उसके अंदर प्रेजेंट सिंपल टेंस भरेंगे। इसी प्रकार जैसे ट्रेन का शेड्यूल है और वो नियत समय से चलती है, उसके अंदर भी आप प्रेजेंट सिंपल टेंस भरेंगे। जैसे अवर स्कूल रन है और स्कूल एक ही है इसलिए एस लगाया, रन्स डज मिला हुआ है इसके अंदर। इसी प्रकार जैसे द ट्रेन है तो इसके अंदर जैसे कोष्ट के अंदर लिव लिखा तो उसको लिव्स कर दिया। इस प्रकार इन छह नियमों के अंदर हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस को अच्छे से समझ लिया। अब हम देख लेते हैं प्रेजेंट कंटिन्यू, उसके अंदर क्या क्या एडवर्ब्स आते हैं, क्या क्या अदर वर्ड आते हैं और क्या चीज़ आप उसके अंदर देखेंगे, तो आप उसको समझ जाएंगे कि ये प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का है। जैसे आपके सामने दिया नियम, यदि वाक्य के अंदर एट दिस टाइम, दिस डेज, एट दिस मोमेंट, एट प्रेजेंट, स्टिल नाउ, नाउ डेज, अगर ऐसे शब्द, ऐसे एडवर्ब्स वाक्य के अंदर मिल रहे हैं, तो आप उस वाक्य को प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में कर सकते हैं, उसका वाक्य में प्रयोग करेंगे। और उसका जो सूत्र है वो मैंने पिछले वीडियो में बता दिया, इसके अंदर आपको सूत्र और बता देता हूँ मैं,
सब्जेक्ट प्लस इस आरएम प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट इस प्रकार आपको बनाना है। इसका मतलब यह हुआ कि कर्ता एक वचन है तो इज और बहुवचन है तो आर, और कर्ता अगर आई है तो उसके साथ आपको हेल्पिंग वर्ब एम का प्रयोग करना है। उसके बाद जो कोष्टक के अंदर वर्ब दे रखी है उसके अंदर आपको आईएनजी लगाना है। इसका उदाहरण देख लेते हैं। इसके अंदर लिखा है राम, उसके बाद में खाली जगह करके राइट लिखा है, और ए बुक दीज डे, ये शब्द आया है इसके अंदर, दीज डे ये शब्द इसके अंदर मिल रहा है तो हम इसको समझेंगे कि ये प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का है, और हम कर्ता एक वचन होने के कारण इज लिखेंगे और क्रिया के साथ आईएनजी लगाएंगे यानी राइट का राइटिंग करेंगे। इसी प्रकार जो दूसरा वाक्य है उस वाक्य के अंदर लिसन शब्द है क्रिया, और उसके अंदर जो एडवर्ब है वो मिल रही है एट दिस टाइम। अब ये एट दिस टाइम है ये प्रेजेंट कंटिन्यू का द्योतक है, पहचान कराती है, इसलिए हम इसके अंदर भी किसन एक वचन होने के कारण इज लगाकर उसके बाद क्रिया के अंदर आईएनजी लगाएंगे, लिसन का लिसनिंग करेंगे। अब हम चलते हैं अगले नियम की ओर, और अगला नियम कह रहा है यदि वाक्य में सो फार, अप टू नाउ, जस्ट, रिसेंटली, येट, ऑलरेडी, ये इतने शब्द हैं, अगर ये शब्द आपको मिल जाते हैं एडवर्ब के रूप में किसी वाक्य के अंदर तो आप सीधा अर्थ लगाइए कि वो वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, यानी आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करना है। ये वाक्य आपको कार्य की पूर्णता की ओर इशारा करता है। तो आप सामान्यतः हैज और हैव इसकी हेल्पिंग वर्ब होती हैं, और वैन वर्ब है वो क्रिया की थर्ड फॉर्म होती है, वो प्रयोग करना है। सब्जेक्ट के साथ आप जैसा सब्जेक्ट है अगर एक वचन है तो हैज, बहुवचन है तो हैव का प्रयोग करना है, और क्रिया की थर्ड फॉर्म के बाद अदर वर्ड आएंगे। तो मोहन एक वचन है तो हमने हैज किया, टेलीफोन शब्द कोष्ठक के अंदर मिल रहा है तो हमने उसकी थर्ड फॉर्म बनाई टेलीफोन, ईडी पीछे लगाना है आपको। उसके बाद में जैसे राजू शब्द है तो राजू एक वचन है तो हमने हैज किया, और ऑलरेडी शब्द इसके अंदर लिखा है तो हम समझ जाएंगे कि ये वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, और हमने डू जो कोष्ठक के अंदर मुख्य क्रिया दे रखी है उसका हमने डन किया। अगर प्रेजेंट परफेक्ट आपको समझ में आ चुका है तो हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू के बारे में भी जान लेते हैं कि उसके अंदर क्या चीज़ आती है, तो हमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू समझना चाहिए। तो उसके लिए हम लेते हैं जिन वाक्य में वुल डे, ऑल द मॉर्निंग, सिंस के बाद निश्चित समय, और फॉर के बाद में समय की अवधि दे रखी है, तो उस वाक्य में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस करना है, उसका प्रयोग करना है। और उसका सूत्र फॉर्मूला क्या है वो भी हम बता देते हैं। सब्जेक्ट के साथ हैज बीन, हैव बीन, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट वगैरह आते हैं। तो आप देखिए नीचे उदाहरण, रमेश, खाली जगह बाद में आपको कोष्ठक के अंदर वर्ब मिल रही है वर्क, और द वूल मॉर्निंग, ये शब्द आया अंदर वूल मॉर्निंग, तो ये आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू का एहसास कराएगा। तो आप उसी के अनुसार अकॉर्डिंग आप भरेंगे हैज बीन, ये हैज बीन इसलिए आया कि रमेश एक वचन है इसलिए हैज बीन लिखा, और वर्क के साथ आईएनजी लगाया, वर्किंग कर दिया। उसी प्रकार राजेश भी एक वचन है तो हैज बीन, और कोष्ठक के अंदर राइट आपको वर्ब मिल रही है तो उसके अंदर आपको आईएनजी लगाना है, हमने राइटिंग कर दिया। इस वाक्य के अंदर भी हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस किया, क्यों किया आप समझ चुके हैं, यहाँ फॉर लगा के फिर आपको समय की अवधि फॉर मंथ्स ये दे रखी है, तो इसके आधार पर हमने इसको प्रेजेंट परफेक्ट किया। अब कई बार ऐसा होता है कि जो वर्ब होती है उसमें कंटिन्यू का भाव नहीं होता है, लेकिन वाक्य के अंदर सिंस और फोर है तो हम उसको परफेक्ट कंटिन्यू नहीं करेंगे, उसको परफेक्ट टेंस ही रखेंगे। जिस प्रकार ये आपके सामने नियम है कि जिन वर्ब का प्रयोग कंटिन्यू टेंस में नहीं होता है और उनमें सिंस और फोर के साथ परफेक्ट टेंस ही करना पड़ता है। जैसे आप उदाहरण देखेंगे, इसके अंदर ही, उसके बाद खाली जगह के बाद में कोष्ठक के अंदर वर्ब है वो नो, उसके बाद में मी लिखा है, सिंस हिज जॉइनिंग हेयर, यानी इसका जो सेंस है भाव है कि मैं इसको जॉइनिंग के समय से जानता हूँ, तो ये परफेक्ट टेंस ही रहा, कंटिन्यू टेंस नहीं होगा। तो आप इस प्रकार करेंगे, ही हैज नोन मी सिंस हिज जॉइनिंग हेयर। और दूसरा वाक्य है सी, खाली जगह, ओ हिम सम मनी फॉर टू डेज, इसके अंदर भी क्रिया का जो भाव है वो कंटिन्यू का नहीं आ रहा है, देने का भाव है सिर्फ, तो ही हैज ओड हिम सम मनी, तो इस प्रकार आप इसके अंदर परफेक्ट टेंस ही रखेंगे। कई बार कुछ ऐसे वाक्य भी होते हैं जो परिस्थिति जन्य होते हैं या उस वाक्य का सेंस निकालना होता है, जैसे आपके सामने कुछ उदाहरण दे रखे हैं, जैसे पहला उदाहरण लिया हमने लुक देयर,
सम डॉग्स खाली जगह कम टुवर्ड्स अस। अब हमें ये वाक्य है, इस वाक्य को पूरा पढ़ना पड़ेगा, उसका अर्थ और उसका सेंस समझना पड़ेगा। जैसे लुक है, देयर, वहाँ देखिए। सम डॉग्स कम टुवर्ड्स अस यानी आपकी तरह कुछ जो कुत्ते हैं वो भाग के आ रहे हैं। इस वाक्य के अंदर रहा शब्द का सेंस आ रहा है तो वो हमें कंटिन्यू का आभास करा रहा है, तो हम यहाँ करेंगे आर कमिंग। उसके बाद में जो दूसरा वाक्य है आई, उसके बाद में खाली जगह के बाद में नोट वियर ए स्वेटर बिकॉज इट इज़ नॉट हॉट डे, यानी गर्मी नहीं है इसलिए मैं स्वेटर नहीं पहन रहा हूँ। तो रहा शब्द यहाँ भी आ रहा है सेंस, आप लिखोगे आई एम नॉट वियरिंग। उसके बाद में अगला जो है वाक्य डोंट मेक ए नॉइस, आवाज़ नहीं करे, द बेबी खाली जगह स्लीप यानी बच्चा सो रहा है, यहाँ पर भी आपको रहा शब्द मिल रहा है तो रहा शब्द होने के कारण इसको भी कंटिन्यू करना है, तो द बेबी एक बच्चा है इसलिए इज स्लीपिंग। उसके बाद में डू यू सी, क्या आपने देखा, ए चाइल्ड खाली जगह कम आउट ऑफ द हट यानी बच्चा जो झोपड़ी से आ रहा है, यहाँ पर भी रहा शब्द का आभास हो रहा है तो हम यहाँ पर भी इज कमिंग करेंगे। इस प्रकार अब आप समझ चुके हैं कि कुछ ऐसे वाक्य भी आपको मिल सकते हैं जो परिस्थितिजन्य हो सकते हैं, हमें उसको आप अर्थ करके अर्थ के अनुसार उसका सेंस निकाल कर फिर उनकी करेक्ट फॉर्म भरनी होगी। आज हम इस वीडियो के अंदर प्रेजेंट टेंस को लिया है, आगे आने वाले वीडियो में हम पास्ट टेंस से संबंधित हम एडवर्ब और अन्य चीज़ें लाएंगे और कुछ नियम लाएंगे जिसके आधार पर बताएंगे कि आप उसका करेक्ट फॉर्म किस प्रकार भर सकते हैं। करेक्ट फॉर्म से रिलेटेड आज का वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके हमें बताइए, और आगे आने वाले वीडियो में हम पास्ट टेंस से रिलेटेड वीडियो लेके आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।